Hello student, how are you? I hope you all are good. And today we will discuss about our NCERT class 10th NCB book unit 1 health and medicine part B fundamentals of laughter yoga. Okay, so this is our main course book and pages 18 to 20. तो स्टूडेंट अगर आपने इससे पहले के मेरे वीडियोस देखे हैं तो इससे पहले मैंने इसका पहले वाला पार्ट भी अपलोड किया है. मतलब ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो मैंने अपलोड नहीं किया है और अभी जो मेरा पार्ट चलेगा इसका नेक्स्ट पार्ट चलेगा, ठीक है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो मैं इसकी आपको डिटेल समरी दूंगी. तो उम्मीद है आपको ये समरी भी पिछली समरी की तरह अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस करिए और लाइक करिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना समरी. और हमारी समरी स्टार्ट होती है यहाँ से कि लाफ्टर योगा जो है वो इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि काम से काम यानी कार्य, ठीक है, वर्क या मोशन से जो है वो फीलिंग पैदा होती है, इमोशंस जिसको बोलते हैं पैदा होती है. शरीर, हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन या बोल सकते हैं माइंड एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है, एक दूसरे का इनके साथ आपस में एक अच्छा कनेक्शन है. तो किसी भी पर्सन की, किसी भी जो भी इंसान है उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो उसकी मेंटल कंडीशन को या उसके माइंड में क्या चल रहा है उसको भी बताती है. जैसे कि अगर कोई आदमी उदास है, निराश है, तो उसका बॉडी भी ऐसा एकदम निर्जीव सा लगेगा, ठीक है, एकदम लाइफलेस बोलते हैं ना जिसको, निर्जीव मतलब ऐसा लगेगा, मतलब दिमाग उसका कहीं और चल रहा है, काम कुछ और कर रहा है. और वही अगर इंसान जो है वो बहुत खुश होकर बिहेव करता है, बहुत खुश रहता है, तो उसका मन भी बोलते हल्का और एकदम हैप्पी रहता है. तो इसका मतलब क्या हुआ बोलते, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ हमारे शरीर के साथ होता है वही सेम टू सेम हमारे दिमाग के साथ भी होता है, ठीक है. थोड़ा इसको और समझ लेते हैं कि यदि किसी पर्सन की मनोदशा, अब मनोदशा का आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा हिंदी आप यूज़ करते हो, बहुत सारे कई लोगों का कमेंट आता है. अब हिंदी इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बनाया ही उन लोगों के लिए है जो हिंदी में कंफर्टेबल है, तो चलिए कोई बात नहीं. तो मनोदशा होता है हमारे अंदर की स्थिति या मन की जो कंडीशन, अंदर से जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो ये जो लाफ्टर योगा है, ठीक है, ये हमारी उस कंडीशन को, किस कंडीशन को, शारीरिक या बॉडी जेस्चर को, फिजिकल जेस्चर को चेंज करने में हेल्प करती है. अब ये लाफ्टर योगा करते कैसे है और किस तरह से, मतलब ये हमारे फिजिकल जेस्चर को या हाव भाव को, जेस्चर मैंने हाव भाव उसको चेंज करती है. अब ये होता कैसे है, जैसे बार बार ताली बजाना, हंसने और जोर जोर से सांस लेने वाले व्यायाम या एक्सरसाइजेस, ये जब साथ साथ होते हैं तो ये कुछ ऐसे आईएमपी या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी और माइंड दोनों को एक साथ काम करने पर मजबूर कर देती है. और ये जो लाफ्टर योगा है ये सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये पूरे संसार में जितने भी जगह ये किया जाता है, इसने बोलते बहुत जो क्रॉनिकल डिप्रेशन था या पुराने जो मेंटल डिजीज़ था इंसान को, तो उन रोगों को भी, उन डिजीज़ को भी इसने ठीक किया है, ठीक है. तो लाफ्टर योगा उन लोगों के अंदर एक बच्चे जैसा उत्साह भरता है जो बहुत दिनों से डिप्रेशन में चल रहे हैं, बहुत दिनों से एकदम तनावग्रस्त है. डिप्रेशन माने तनावग्रस्त. तो जो मैं डिफ़िकल्ट हिंदी के वर्ड भी बोल रही हूँ ना, तो उसका भी साथ साथ इंग्लिश में बता रही हूँ, तो समझ लेना आप उस चीज़ को,
ठीक है, बाद में कमेंट करके ये मत बोलिएगा कि आप बहुत ज़्यादा हिंदी यूज़ करते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। तो लाफ्टर योगा मैंने जैसे अभी बताया, ये लोगों के अंदर, उन लोगों के अंदर एक बच्चे जैसा उत्साह भर देता है, जो कि इन दिनों में, जो आज का जो टाइम है, बहुत ही ज़्यादा तनावग्रस्त है, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। बोलते इसे शरीर के दिमाग का हास्य मॉडल या ह्यूमर मॉडल, मॉडल ऑफ ह्यूमर, या इसको अगर इंग्लिश में बोलूँ मैं तो बॉडी टू माइंड, बॉडी टू माइंड मॉडल ऑफ ह्यूमर, ठीक है, कि शरीर से दिमाग का हास्य मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, और हंसी में एक खेल कूद की एक भावना होती है, एक फीलिंग होती है, जो जनरली बड़े लोगों की तुलना में बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। और ये सब किसके कारण होता है? ये सब हमारे दिमाग के कारण होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो हम बड़े लोग होते हैं, हंसी मजाक का अनुमान लगाते, कितना हंसना है, जानबूझकर हंसना, मतलब आ नहीं रही हंसी तो भी मतलब दिखावे के लिए हंसना, दिखावे की हंसी बोलते जिसको। ठीक है, तो ऐसे लोग बोलते LKK सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। ठीक है, पीड़ित माने सफर कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि दीज एडल्ट ऑफन सफर फ्रॉम LKK सिंड्रोम, विच इज पॉपुलरली नोन एज लोग क्या कहेंगे। मतलब कि ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कि हम ये सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, अगर हमने ऐसे किया तो क्या लोग कहेंगे। मतलब हर टाइम दिमाग में ये है कि दूसरा हमारे बारे में क्या कहेगा। ठीक है, तो हास्य को, ह्यूमर, हास्य माने ह्यूमर, ह्यूमर को समझने में बच्चे जो है बोलते ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण माने सिली थिंग्स, बातों में ही क्यों ना लिप्त हो। तो इससे पता चलता है कि उनकी जो हंसी है सीधे उनके शरीर से आते। बच्चे, आप लोग भी हैं, कई बार कुछ भी बोलते रहते हैं, आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं, जो आपकी जो प्योर स्माइल है ना, प्योर आपकी जो खुशी है, वो जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, आप काम के प्रेशर में जैसे जैसे पड़ते जाओगे ना, वो हंसी आपके चेहरे से गायब हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना नहीं है, काम कितना भी हो लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये लाफ्टर योगा खुशी और उत्साह दोनों में एक डिफरेंशिएट पैदा करता है। अब आप खुशी समझ रहे होंगे कि खुशी का मतलब क्या है। खुशी माने हैप्पीनेस और उत्साह माने जॉय। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक अंतर पैदा करता है। अगर हम खुशी की बात करें तो ये हमारे दिमाग का एक ऐसा फीलिंग है, एक ऐसा भाव है, जो कि कुछ निश्चित जरूरतों के पूरा होने पर निर्भर करता है। सॉरी, कि आज मुझे लग रहा है कि मुझे कोई एक मोबाइल फोन चाहिए, या फिर मुझे एक टैबलेट चाहिए, या मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, और जब वो मुझे मिल जाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो ये जीवन के, ये जो हमारा लाइफ है, इसके पास्ट और फ्यूचर इससे संबंधित होती है। जैसे ही मन आसानी से कोई और एम तैयार कर देता है, ये खुशी जो है वो झट से गायब हो जाती है। आज आपके पास एक, आपने मोबाइल फोन लिया, कल उससे ज़्यादा कॉस्टली आपने अपने फ्रेंड के पास देखा, तो पहले आपको अपने मोबाइल की खुशी थी, लेकिन जैसे ही आपने अपने एक एक्सपेंसिव मोबाइल अपने फ्रेंड के पास देखा, आपकी वो जो खुशी थी वो गायब हो गई। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ। और दूसरा हमारा है जॉय या उत्साह। इसमें कोई शर्त नहीं है, आपको कोई चीज़ मिले ना मिले, इसमें कोई शर्त नहीं है, ये एक खुश रहने की आदत है। चाहे ज़िंदगी में हमारी परेशानी आए या चेतावनी आए, ये हमारे मन में लाइफ के प्रति एक सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक माने सिर्फ पॉजिटिव, मैं आगे इसके आगे सोच बोलने वाली थी, तो सोच का मतलब होता है थिंकिंग, पैदा करता है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब ये नहीं है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं, कि जॉय फुलनेस इज एन अनकंडीशनल कमिटमेंट,
डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ. ठीक है, इट डेवलप्स अ पॉजिटिव आउटलुक इन मैन टुवर्ड्स लाइफ. वही चीज़ कि ये जो है हमारे मन में, व्यक्ति के मन में लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करता है. ठीक है, अगर हम शॉर्ट में बात करें थोड़ा सा लास्ट लास्ट में, कि ये जो लाफ्टर योगा है हैज़ बिकेम अ हीलिंग टूल ऑफ सेवरियन क्रॉनिक डिप्रेशन स्ट्रेस एंड नेगेटिव मेंटल स्टेटमेंट. तो मतलब कि ये पुराने जो हमारे दिमाग में चल रहा तनाव है, मेंटल प्रेशर है, नेगेटिविटी है, ये यहाँ पर एक दवाई या एक मरहम की तरह काम कर चुका है. ठीक है, इसके अलावा इट आल्सो रेक्टिफाई शैलो एंड इरेगुलर ब्रीथिंग एंड दस हेल्प इन कीपिंग आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी. इसके अलावा बोलते हमारा जो जीवन के प्रति जो नज़रिया है, थोड़े हम हमारी मतलब सोच जो है उसको भी सुधारता है और हमें खुद को स्वस्थ रखने रहने और तंदुरुस्त रहने में भी बोलते मदद मिलती है. तो ये लाफ्टर योगा बहुत काम की चीज़ है और करिए, आप भी करिए. खैर आप बच्चे हो, आप बिना किसी, वही है ना, सेकंड वाला जो आपका जॉय है, बिना किसी अनकंडीशनल खुश रहने की आपकी आदत है, तो ऐसे ही खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहिए और तनाव से, डिप्रेशन से कोसों दूर रहिए. ठीक है, तो अब मैं मिलती हूँ आपके आपसे एक नई वीडियो के साथ. अगर आपको ये वीडियो लगा होगा अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए. थैंक यू.